हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं कार्नोट साइकिल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आइए एक और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है, अ कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इफ 120 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम देन फाइंड आउट द एफिशिएंसी एंड हीट रिजेक्टेड टू सिंक। दो चीज निकालने के लिए बोला है, एफिशिएंसी एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। ठीक है, क्वेश्चन कम से कम दो बार पढ़िए, दो से तीन बार पढ़िए, बहुत आसान सा रहता है और आपको वो जो सिंपल वाला डायग्राम बनाता हूं उसी में लाके बिठाना रहता है। देखिए पहले इसको मैं सिस्टमेटिक कैसे करते हैं बता दूंगा, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी आपको कार्नोट साइकिल पे ऐसे ही टेम्परेचर ऑपरेट करने के लिए दिया है तो चुपचाप से आप क्या करिए, एक सिंपल हीट इंजन पहले बनाइए। हमेशा हीट इंजन ऐसे आपको बनाना रहेगा। हीट इंजन कैसे रहेगा, यहां से Q1 आ रहा है, यहां से Q2 जा रहा है, बदले में ये हमें वर्क करके दे रहा है। ये वर्क कितना होता है, तो Q1 -Q2 होता है, ये आप सभी जानते हैं। ये बहुत आसान सा चीज होता है, ये टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में ऑपरेट हो रहा है। अब क्वेश्चन पढ़िए तो आपको बहुत आसान हो जाता है। अब कार्नोट साइकिल ऑपरेट बिटवीन टू टेम्परेचर, तो टू टेम्परेचर में T1 जो हायर होगा, याद रखिए ये वैल्यू को बस आपको केल्विन में रखना है, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया तो उसको केल्विन में रखना है। दूसरा क्वेश्चन समझने के लिए करके देखते हैं, दूसरा जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये दो हीट रिजर्वायर्स है जिसके बीच में एक हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है। एंड इफ 120 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम का मतलब है यहाँ पे हीट इंजन। इफ हीट इंजन इज सप्लाइड 120 किलो जूल हीट, मतलब Q1 होगा ये तो Q2 होगा, तो सप्लाई किसमें हो रहा है, हीट इंजन को सप्लाई हो रहा है, मतलब यही होगा। ठीक है, और रिजेक्टेड हो जाती है तो इसलिए पूछ दिया सप्लाई टू द सिस्टम। देन फाइंड आउट एफिशिएंसी, तो आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एफिशिएंसी दो टाइप का होगा, यहां पे हम लोग मेनली कार्नोट एफिशिएंसी से बात काम चल जाएगा। और दूसरा चीज क्या है, यहां पे फाइंड आउट द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। तो हीट रिजेक्टेड टू, ये सिंक है, ये क्या होता है ऊपर वाला, ये सोर्स होता है और ये सिंक होता है, ये सभी जानते हैं। मतलब जो हायर टेम्परेचर पे रहेगा वो सोर्स और लोअर टेम्परेचर पे रहेगा वो सिंक रहेगा। तो हीट रिजेक्टेड कौन सा, ये वाला, तो ये हमें निकालना है, मतलब ईटा का मान निकालना है, Q2 का मान निकालना है। तो इतना समझ में आ जाना चाहिए, तुरंत आप एक सिंपल डायग्राम बनाइए, उसके बाद फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर कौन कौन सा वैल्यू क्या क्या दिया उसको यहाँ पे पुट करिए, फिर आसानी से समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आइए हम इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे कैसे। तो गिवन दैट क्या दिया है, T1 का मान दिया है कितना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करिए, केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करते हैं, तो क्या आ गया 3,2573 केल्विन। T2 -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 केल्विन में चेंज करिए, 273 ऐड करना पड़ता है, तो हो गया 263 केल्विन। और क्या दिया है Q1, ये कितना दिया है 120 किलो जूल। निकालना क्या है, ईटा निकालना है और दूसरा हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, मतलब Q। इस प्रकार इतना चीज आपको पता होना चाहिए। अब एक साइड में आप बना दीजिए उस डायग्राम को जो मैंने पहले बनाया था। तो ये है आपका कितना है 573 T1 बराबर, और T2 कितना है 263। इसके बीच में ऑपरेट हो रहा है हीट इंजन, ये है हीट इंजन, यहाँ Q1 दे रखा है 120 किलो जूल, ये हीट इंजन है, ये Q2 हमें ज्ञात करना है, और वर्क ये सिंपल हीट इंजन है। हीट इंजन जब भी दिए चुपचाप के डायग्राम बनाओ और सारे वैल्यू को पुट करो, बहुत आसान से आंसर आता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सारे वैल्यू देने का पहले क्या निकाले, एफिशिएंसी। तो कार्नोट एफिशिएंसी क्या होता है, तो पहला कार्नोट एफिशिएंसी ईटा
ईटा बराबर क्या होता है, वन माइनस टी टू बाई टी वन, मतलब ये पुट करोगे वन माइनस 263 डिवाइडेड बाई 573। ये करिए, सो करने के बाद ईटा का मान आपको लगभग प्राप्त होगा 1-0.705 या ये ऑलमोस्ट आपको प्राप्त होता है 0.3 और 30%। आपको लिखना पड़ेगा कि 30% मींस द हीट इंजन दैट वी हैव प्रोवाइडेड व्हिच इज ऑपरेटिंग बिटवीन दिस टू टेंपरेचर हैव कार्नोट एफिशिएंसी ऑफ 30%। इस टेंपरेचर के बीच में ऑपरेट करने से 30% दैट इज इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। दूसरा चीज हमें बोला है हीट रिजेक्टेड, मतलब Q2 का मान चाहिए, तो Q2 का मान ठीक है मेरे पास स्पेस का, मैं ऊपर करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, स्पेस का कमी है। पहला आंसर आ गया, दूसरा पूछा है हीट रिजेक्टेड टू द सिंक्स मीन Q2 का मान, ठीक है, तो उसके लिए हमें वर्क चाहिए होगा, तो ईटा का एक और फॉर्मूला होता है क्या, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। यहां से क्या आ जाएगा, वर्क बराबर ईटा इंटू Q1, ईटा का मान आया है 0.3, Q1 का मान दे रखा है 120, तो 12 × 36 मतलब 36 किलो जूल, दिस इज द वैल्यू फॉर वर्क, बट हमें चाहिए Q2, हम जानते हैं W बराबर होता है Q1-Q2। बस ये फार्मूला याद रखिए, वर्क का फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला दो या तीन है, जितना भी एकदम सरल सरल से उसको याद रखिए, सारा न्यूमेरिकल ऐसे बन जाता है, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, Q2 बराबर क्या आ जाएगा, Q1-W, ये आ जाएगा Q2 बराबर 120-36 मतलब 684 किलो जूल, दिस इज द आंसर फॉर दिस वेरी सिंपल प्रॉब्लम, पूछा गया था ईटा और Q2 का मान। थैंक यू।